वक्त निकल चुका, गेम ओवर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कल तक कोई हल निकालने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में अदालत उज़्मा की तीन रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंजूर खान ने दलाई दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ने नई तकरीरी की सिफारिश की और सदन ने तौसी दी। क्या लिखा है और क्या भेज रहे हैं ये भी पढ़ने की ज़हमत नहीं की। समरी एडवाइस नोटिफिकेशन जिस तरह बनाए लगता है वजारत कानून ने बहुत मेहनत से ये मामला खराब किया। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसे तैनात नहीं किया जाता जैसे आप आर्मी चीफ को तैनात कर रहे हैं। आपने आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया है। हम आपको कल तक वक्त दे रहे हैं हल निकालने, बसूरत देकर हमने आईन का हलफ उठाया है, आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। समाअत के आगाज से पहले बैरिस्टर फरोग नसीम ने कमरा अदालत में वकालतनामा जमा करवाया, जबकि समाअत के दौरान अदालत ने दो मरतबा वक्फा भी लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तवील समाअत के बाद इसे कल सुबह तक मुलतवी कर दिया। जीनत खान, NP News, लाहौर।